मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे बचा नहीं सकी। क्या हुआ था? हाँ, एक गाइड ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी और मुझे मारना चाहा था। उसने तुम्हें मार दिया था और मैंने उसे आकर डस ली। मेरे डसते ही वो मर गई और अचानक गायब हो गई। मुझे मार दिया था तो मैं जिंदा कैसे हूं? मैं अम्मा जुगनू के पास गई थी। जो मैंने इस पानी में मिलाकर तुझे पिलाया, तेरा बहुत शुक्रिया मुस्कान। तेरा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ऐसे मत कहो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, फिर चाहे तू मेरी मदद करे या ना करे। मुझे माफ कर दो मुस्कान। मुस्कान, वो चुड़ैल मुझे जमुनाधारी कह के पुकार रही थी। जमुनाधारी? ये कौन है जिसको तुम्हारा असल नाम पता है? लगता है कि दुश्मन कोई जान पहचान वाला है। तुम्हें लगता है ये काम दिलबर का है? हाँ, ये दिलबर ही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो मेरे इस बोले को खत्म करने की साजिश कर रहा है। तुम ठीक कह रही हो सनम जान, ये दिलबर की ही चाल है कि उसने उस चुड़ैल को भेजा ताकि नागिन बनकर तुम उससे डसो और फिर वो गायब हो जाए और तुम अपना जहर वापस ना निकाल सको। हाँ मुस्कान, मुझे सब समझ आ गई। उसको भेजने वाला दिलबर ही था। चलो समझा, अब उठो और अगर आगे कोई आफत आए तो मुझे आवाज दे देना। मैं रायान को ढूंढने जा रही हूं। ठीक है मुस्कान, मैं अब पहले से ज्यादा होशियार रहूंगी। चलो अब उठो। Thank you.
सजना तुम अब तक जाग रही हो? लगी वाले आनू नींद नहीं आंदी तेरी खीमनी अख लग गई तेरी खीमनी अख लग गई। कितनी बार समझाया सजना तुम्हें मुझसे यूं मोहब्बत की बातें मत किया करो सीधी बात करो। क्या बात है दिलबर तुम कुछ गुस्से में लग रहे हो? हाँ सजना मुस्कान ने मुझे तंग कर रखा है किसी भी सूरत मेरे कब्जे में नहीं आ रही। मुस्कान को तो मैंने सलाज के हवाले कर दिया था तो फिर दिल पर कौन सी मुस्कान की बात कर रहा है? सजना तुझे एक काम करना होगा। बोल दिल पर जान हाजिर है सजना की। सजना तुझे कल ही हवेली आना होगा और तुझे मुस्कान को मुझसे शादी करने के लिए मनाना होगा। वही मंसूबा जो तुमने और मैंने पहले बनाया था उसी के तहत। अब दिलबर मगर मुस्कान है कहाँ? हवेली में है और कहाँ जाना है उसने? नहीं दिलबर मुस्कान हवेली में नहीं होगी। सजना मुस्कान हवेली में ही है। मगर मुझे तो किसी ने कहा था कि मुस्कान जो है वो अपने बाप के घर गई है कुछ दिन रहने के लिए। तुम्हारी खबर बिल्कुल गलत है क्योंकि मुस्कान अभी हवेली में ही है। क्या क्या तुमने मुस्कान को अपनी आंखों से देखा हवेली में? क्या हो गया है सजना किस किस्म के फजूल सवाल कर रही हो? जिन लोगों को मैंने हवेली वालों को मारने के लिए भेजा था मुस्कान ने सबको डस के मार दिया खत्म कर दिया सबको। अगर मुस्कान हवेली में है तो फिर मैंने सलाज के हवाले किसको किया? बोल सजना बोल बोल तू आएगी ना? आएगी ना? अरे मेरे दिलबर का हुक्म हो और सजना ना आए ये कैसे हो सकता है? दिलबर सजना आएगी। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करती हूं। तासु नागी कहां मर गए तुम सबके साथ? जी मालिक। हमारा नागनायल कहां है? मुझे क्या मालूम? क्या मतलब क्या मालूम? तुमने अपने हाथों से मुस्कान वाली पिटारी सलाज को दी थी कासू और हमारे नागनायल की देखभाल तेरे जिम्मे थी। मालिक मैं तो सुबह से जंगल निकल गया था अभी वापस लौटा हूं। बकवास करता है कासू झूठ बोलता अपने मालिक के साथ? सच बता हमारा नागनायल कहां है? तुमने हमारी आंखों के सामने मुस्कान वाली पिटारी सलाज को दी थी कासू। कासू हम तेरा सारा खून निचोड़कर अपने नागों को पिला देंगे। फोन मालिक मालिक मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं मैं नहीं था मैं तो घंटे के बाद लौटा हूं। यकीन ना आए तो नागी से पूछ ले नागी साथ था मेरे। नागी क्या कासू सच कह रहा है? हाँ मलिक मैं सुबह से कासू के साथ ही हूं। अगर कासू तुम जंगलों में थे तो फिर तुम्हारे रूप में मेरे डेरे पर आया कौन?
सनम जहां। सनम जहां? हाँ मालिक, सुना है आजकल सनम जहां और मुस्कान की दोस्ती हो गई है। मालिक, सनम जहां पहले भी मेरा रूप धार कर यहां से किताबे हयात चुरा कर गई थी। ये तो सजना सो रही है, क्या करूं? कासू, याद आया। इसका मतलब है कि फिर से तुम्हारे रूप में हमारे डेरे पर सनम जहां ही आई थी। हाँ मालिक, वो फिर आपको धोखा दे गई। ओ इच्छाधारी नागन, आपको उल्लू बना गई। कासू, तू नहीं जानता हमारा कहर टूटेगा सनम जहां पर। लेकिन इससे पहले हमें यह मालूम करना है कि हमारा नाग नायल कहां है।
नायल नायल नायल, लेकिन सच जाने तो कहा था मुस्कान नायल। किंग सलाज, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। फिक्र ना करो मस्तान, सच ना को इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। शुक्र है मुस्कान बच गई। इस नायल ने हवेली वालों पर बड़े जुल्म किए थे, इसे इसके जरायम की सजा मिलनी चाहिए। बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। छोड़ दो मुझे, मुझे मार के तुम लोगों को क्या मिलेगा, जाने दो मुझे। तूने ना जाने कितने इंसानों का खून किया, अपना नापाक शहर उनके जिस्म में उतारा। मेरी किसी भी इंसान से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं एक ईचाधारी नाग हूं जिसे उसकी मालकन ने एक अहम मिशन पे भेजा और उसको पूरा करना मेरा फर्ज था। और उस फर्ज के रास्ते में जो कोई भी आया, चाहे वो इंसान था या हैवान, मुझे उसे मारना। लेकिन अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा, तूने बहुत मासूमों को मार लिया, अब तेरी बारी है मरने की। मुझे मार के तुम लोगों को क्या मिलेगा, खुशी। दुश्मन की तादाद जब कम होती है तो किंग सलाज को बहुत ही खुशी होती है। तुम लोग इतने सारे हो और मैं अकेला, अगर मारना ही है तो एक एक करके मारने की कोशिश कर लो। रुको, इसका शिकार मैं खुद करूंगा। चल ना, बता कितनी ताकत है तुझे। तुझमें तेरा रूप बदलने की ताकत तो है नहीं, तू किंग सलाज का मुकाबला क्या करेगा। मुझे मारने से तुम्हारे दुश्मनों की तादाद तो खत्म हो जाएगी, मगर किसी भूल में ना रहना, मेरे मरने के बाद जरूर कोई आएगा जो तुझे मारेगा, जो तेरा खात्मा करेगा, जिसके हाथ में तेरी मौत लिखी जाएगी। किंग सलाज उस दुश्मन का खुशी से इंतजार करेगा। अलविदा। मुस्कान ने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। सनम जहां का बंदोबस्त तो मैं करके रहूंगा।
सौरा, तू मुझे सुन रहा है? हाँ मालिक, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सौरा, जो मैं कह रहा हूं गौर से सुन। हुक्म मालिक। तू अभी के अभी हवेली आ और सनम जहां को यहां से उठा कर ले जा। हुक्म की तकमील होगी। शाबाश शाबाश, तुझे इनाम भी मिलेगा। तू अभी के अभी हवेली आके आगे सनम जहां को ले जा। आ जा अभी आ जा अभी आ जा। आज अगर मेरी बहन मुस्कान मुझे ना बचाती तो मैं तो मर ही जाती। सौरभ हवेली में? सौरभ कहाँ गया? मेरे साथ चलो जमुनाधारी। जमुनाधारी? तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। सौरभ, अगर मैं तुमसे प्यार ना करती होती तो अब तक तुम्हारी जान ले चुकी होती। जान तो मैं तुम्हारी ले लूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो। ठीक है सौरभ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। चलो। सनम जहां चली थी मुझसे टक्कर लेने, सौरभ मेरे शहर में है और इच्छाधारी ये तुझे मारकर जंगल में दफना देगा। कासू, मैंने तेरी खातिर झूठी गवाही दी, अब ला दे मेरा नाम। अरे देता हूं, मरा क्यों जा रहा है? एक, दो, तीन, चार, ये ले। क्या याद करेगा किस रेस से पाला पड़ा था? बस चार सिक्के। सोने की कान तेरे नाम लगा दूं? नागी, बस तुम मेरे इशारों पर चलता रहे, तुझे बहुत मालामाल कर दूंगा। मदीना। जी सरदार। मदीन, इस छोरी को ले जाके कैद खाने में कैद कर दे और अपने बंदे पहरे पे बिठा के रखी। ये नागिन है, कहीं भाग ना जाए। नागिन? सरदार, ये छोरी तुझे नागिन नजर आती है? जितना बोला है उतना काम कर मदीन।
वरना तुझे अरबी घोड़े की दुम पर बांध कर पूरे जंगल में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, समझा? ले जाए इसे और इस पर पहरा रखी। जी सरदार। सलाज, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? निजात, ये सचना से अकेले ही मिलने का वक्त है। सचना ने दो काम एक साथ किए हैं, हमें खुशी भी दी है और हमसे धोखा भी किया है। खुशी का शुक्रिया और धोखे का हिसाब लेने जा रहा हूं। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मैं अभी नागिन बनना नहीं चाहती, वरना इनको तो मैं डस के अभी खत्म कर दूं। सनम जहां, फिक्र ना कर, कोई ना कोई तेरी मदद को जरूर आएगा। सनम जहां की बढ़ती हुई साजिशों को हिरासत में लेना होगा। किसे हिरासत में लेना चाहती हो सचना? सलाज, तुम आज इतला दिए बगैर चांद कैसे निकल आया? हमने सोचा तुमने हम पे इतनी अनायत की है तो अब हमारी मुलाकातों को फॉर्मल नहीं होना चाहिए। इनायत? इनायत कौन सी? क्या ये अनायत कम है कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम मुस्कान नागन को गिरफ्तार करके हमारे हवाले करोगे और फिर तुमने जिस नाग को हमारे हवाले किया मुस्कान नहीं थी सचना। मुस्कान नहीं थी तो फिर कौन था? नाहिल था। नाहिल? नाहिल, नाहिल कहाँ है नाहिल? हाँ, हमने नाहिल को आग के हवाले कर दिया, जला दिया नाहिल को। क्या तुमने हमारे नाग नाहिल को जला दिया? इससे बेहतर और कोई इंतकाम हो नहीं सकता था। नाहिल की मौत से हमने अपने मिशन का आगाज किया है। हम इस कुरे जमीन को नागिनों से पाक कर देंगे। सलाज, एक बार हमसे पूछ तो लेते नाल को जलाने से पहले। सलाज अपनी मर्जी का मालिक है, पूछता नहीं बताता है। और हम तुम्हें बता रहे हैं सचना कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके मुस्कान को गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दो। क्या हुआ सचना, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं सलाज, हमें हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पूछो, बोलो। सनम जहां एक इच्छाधारी नागिन है और सरकश भी। जानता हूं। जानते हो? तुम सनम जहां को जानते हो? सनम जहां एक बार हमारे सिकंजे से निकल गई थी, मगर दूसरी बार वो जिंदा ना बच निकले नवाजिश होगी।
किंग सलाज का तुमसे वादा है कि हम सनम जहां को इबरतनाक मौत देंगे। नहीं सलाज, सनम जहां को इबरतनाक मौत हम देंगे। तुम सनम जहां को हमारे हवाले जिंदा करोगे और उसके एवज हम तुम्हें मुस्कान देंगे। मंजूर है, हमारा मकसद नागों की मौत है, उसे तुम मारो या हम, एक ही बात है। सोचना, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी इजाजत दो, फिर मिलेंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि दिलबर ठीक कह रहा था कि मुस्कान जिंदा है, लेकिन अब जिंदा नहीं बचेगी।